हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ दो युवक गिरफ्तार। बाड़मेर पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ गुजरात के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस नाकाबंदी में गुजरात निवासी दो संदिग्ध युवकों अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्तार युवकों के पास CRPF के फर्जी आईडी कार्ड थे। इनके द्वारा परिवहन में उपयोग में लिया जा रहा वाहन भी पुलिस ने बरामद किया है। सरहदी इलाके में सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ बाहरी राज्य के लोगों की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है। बाड़मेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार नवगुण भाई देसाई और विक्रम भाई खोडला गुजरात के बनासकांठा जिले के निवासी है। बाड़मेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल नाके पर सेना की गुप्तचर विंग के इन युवकों की गतिविधियों पर संदेह जताया, जिसकी सूचना बाड़मेर पुलिस को मिलने पर सदर पुलिस की नाकाबंदी की और इस नाकाबंदी में गुजरात के ये दो लोग धरे रह गए। सदर थाने के कार्यवाहक थाना अधिकारी सब इंस्पेक्टर जाकिर अली के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। सरहदी बाड़मेर में सेना के फर्जी आई कार्ड के बाहरी राज्य के दो युवकों की गिरफ्तारी से इलाके में सनसनी फैल गई। आज दौरान नाकाबंदी दो व्यक्तियों को डिस्टर्ब कर पकड़ा। एक नाम है जैसे नवगण भाई और दूसरा है विक्रम भाई। नवगण भाई के पास में एक दशरथ भाई CRPF के कांस्टेबल का नाम का फर्जी कार्ड मिला, जिस पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, बिल्कुल फर्जी है, जिस पर उनको संदिग्ध होने से उनको दस्तक कर गिरफ्तार किया गया है। उनके पास वाहन थे वो जब्त किया है और कार्ड को भी जब्त किया है। ये पूछताछ में ये बताया कि मेरा भाई CRPF में पहले था, कांस्टेबल था, अब वो रिजाइन दे दिया है, अब वो घर पे है, लेकिन इस कार्ड पे किसी अधिकारी का वगैरह हस्ताक्षर नहीं है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।